हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम चोकर बनाना सीखेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको हैंडमेड ज्वेलरी या फिर क्राफ्ट की वीडियोस देखनी है तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरे अपने अकाउंट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए। चलिए स्टार्ट करते हैं चोकर बनाना। तो यहाँ पर मैंने सारा मटेरियल लिया है। तो यहाँ पर मैंने वायर लिया है, गेयर वायर या फिर ज्वेलरी वायर भी इसको बोल सकते हैं। और यहाँ पर मैंने वायर का लॉक लिया है, गियर लॉक। और यहाँ पर मैंने नेकलेस डोरी ली है, यहाँ पर जंप रिंग ली है, फ्रेम कुंदन लिए हैं। अब यहाँ पर जो वायर है मैंने इसको कट कर लिया है। और ये जो गियर लॉक है इसको मैं वायर को मैं लॉक कर दूँगी। तो यहाँ पर मैं इसको डालूँगी वायर में, इसका लूम बनाएंगे और उसी वायर को इस मोती के अंदर, मतलब इस लॉक के अंदर डाल दूँगी। और इस मोती के अंदर डाल के प्लार से इसका जो मुंह है हम इसको ऐसे बंद कर देंगे। देखिए जो वायर है लॉक हो गया है। अब यहाँ पर मैं कुंदन को लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैं फैब्रिक ग्लू लूँगी, कुंदन के बेक वाले पार्ट पर हम फैब्रिक ग्लू लगाएंगे, उसके ऊपर वायर को रखेंगे और उसके ऊपर एक और कुंदन को लगा देंगे। यहाँ पर मैं एक और कुंदन लूँगी और इसको इसके ऊपर लगा देंगे। और इसी तरह से पूरे वायर को हम कुंदन के साथ डेकोर कर देंगे या फिर कुंदन को इसमें लगा देंगे। और आपको आपकी नेक के अकॉर्डिंग ही वायर को कट करना है। देखिए इस तरह से मैंने कुंदन को लगा दिया है। वापस से मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कुंदन को कैसे लगाया है। तो यहाँ पर फैब्रिक ग्लू को लगाऊंगी कुंदन के बेक वाले पार्ट पर, उसके ऊपर वापस हम वायर को रखेंगे और इसके ऊपर हम एक और कुंदन को रखेंगे। इसी तरह से सारे कुंदन को इस वायर पर मैं चिपका दूंगी। एंड देखिए ये हमने सारे कुंदन लगा दिए हैं। जिस तरह से यहाँ पर मैंने वायर से लॉक किया था, सॉरी वायर को लॉक किया था गियर लॉक से, उसी तरह मैंने यहाँ पर भी वायर को लॉक कर दिया है। तो जंप रिंग ली है और नेकलेस डोरी ली है। तो जंप रिंग के साथ मैं नेकलेस डोरी को इसमें अटैच कर दूंगी। जिस तरह मैंने यहाँ पर डोरी लगाई इसी तरह यहाँ पर भी लगा दूंगी। अब यहाँ पर मैंने इयररिंग के लिए मटेरियल लिया है। तो फ्रेम कुंदन लिया है, आई पिन ली है, आई पिन के आगे वाले पार्ट को हमने कट कर दिया है। और आई पिन को हम किसी भी ऐसी मोटी चीज़ पर इसको प्रेस करेंगे जिससे इसका शेप ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर मैंने पेन के ऊपर भी इसको प्रेस किया है जिससे इसका जो शेप है वो ऐसा यू जैसा हो गया है। और यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा कट भी कर दूँगी। और ये जो फ्रेम कुंदन है इसको हम आई पिन पर चिपका देंगे। तो यहाँ पर फैब्रिक ग्लू से मैं इनको चिपका दूँगी। और देखिए इसी तरह से इसके जो इयररिंग है, कुंदन की इयररिंग, वो भी रेडी हो गए हैं। अब यहाँ पर हम टीका बनाएंगे। तो टीके के लिए यहाँ पर मैंने फ्रेम कुंदन लिए हैं, पर्ल चेन ली है, इयररिंग हुक लिया है, लॉरल्स ली है, आई पिन ली है। तो ये जो आई पिन है, आई पिन को ओपन करेंगे और उसमें लॉरल्स को डाल देंगे, फिर इसका जो मुँह है उसको बंद कर देंगे। और यहाँ पर मैं तीन कुंदन को रखूँगी और इसके अकॉर्डिंग ही हम आई पिन को कट कर देंगे, फिर इसको थोड़ा सा घुमा देंगे और इसके अंदर पर्ल चेन को डाल देंगे। पर्ल चेन को डालने के बाद इसका जो मुंह है वो बंद कर देंगे और जो इयररिंग हुक है इसको हम पर्ल चेन के साथ अटैच कर देंगे। अभी जो फ्रेम कुंदन है इसके ऊपर हम फैब्रिक ग्लू लगाएंगे, क्योंकि ये जो आई पिन है, आई पिन को हमको इसको चिपकाना है।
तीनों को साथ में रखेंगे और आई पिन को इस पर रख देंगे और ये जो तीन फ्रेम कुंदन है इसको भी हम इस पर चिपका देंगे, इसको ड्राई होने के लिए रख देंगे। और अगर आपको दूसरी वीडियो देखनी है चोकर की या फिर कुंदन ज्वेलरी की तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जा सकते हैं, वहाँ पर मैंने सारी वीडियोस की जो प्लेलिस्ट है उसको डाल कर रखा है, तो क्लिक कर कर आप सारी वीडियोस को देख सकते हैं। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मैंने अपने अकाउंट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दी है। एंड देखिए जो टीका है वो रेडी हो गया है और ये है इसकी कुंदन ईयरिंग। देखिए जो कुंदन का सेट है वो पूरा रेडी हो गया है। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल फॉर माई न्यू वीडियोस और प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो की वॉचिंग माई वीडियोज़।